पाकिस्तानी पठान है सब, मैं बहुत बुरी तरफ से झगड़ चुका हूँ ना, बहुत चीज था, मानता हूँ अब तक दूसरा तीसरा मेरे मदद करेगा, घर वाले मेरा पूरा फैमिली डिनर बहुत परेशान है ना, मेरे घर वाले बहुत परेशान है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, यहाँ के इंडिया एम्बेसी मेरे को आजकल आजकल बोला है, एक हफ्ता तो बहुत हो गया समय, आज 8-10 दिन हो गया मेरे को, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ के इंडिया एम्बेसी से, मैं भारत सरकार से मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए यहाँ से, है ना, और खाने पीने के भी जो भी मदद कर रहा है उसका ऊपर वाला देख रहे हैं, और मैं जो भी भाई हो और साथी हो मेरे पास आते हैं, और मैं उनका हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक दूसरे को बहुत हेल्प मिला है खाने के लिए, मेरे घर वाले बहुत परेशान है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर है मेरा, हमें यहाँ मेरा पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, नहीं इंडिया एम्बेसी नहीं कार्रवाई कर रही है, मैं इंडिया एम्बेसी में कल फोन आया था तो बोलते हैं कि दो चार दिन आज 10 दिन से ऊपर हो गया, मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ अभी किसी को पता नहीं, और मेरा घर वाले बहुत फैमिली डिस्टर्ब है, मैं यही कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से, और मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए भारत सरकार से, है ना, आपका काम करा देंगे, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है राजन ना, जी, घर का मेरा परिस्थिति। आप परेशान मत हो, ये घर पे बात हुई है कि नहीं आपके? भैया मैं परसों के बात किया हूँ घर पे, वो भी दूसरे के मोबाइल से बात किया हूँ, है ना, मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ हमको मालूम है, अभी जो भी था खाने पीने का व्यवस्था वो तो सही है, मानो यानी कि कब तक हमको दूसरा तीसरा खिलाएगा, कब तक हेल्प करेगा, है ना, भारत सरकार से यही कहना चाहूंगा कि मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए उत्तर प्रदेश सरकार से, और जितना भी भाई और साथी हैं हमारे, हमको यहाँ से निकालने के लिए प्रयास कीजिए, और आदित्य योगी नाथ जी से हम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी है, यहाँ पे सब पाकिस्तानी पठान भरे हैं, और सरकार से कि हमको जल्द से जल्द निकाला जाए, मैं 3 महीने से परेशान हूँ, किस हालात से गुजर रहा हूँ अभी मेरे को मालूम है, कहाँ से दवाई खाता हूँ, कहाँ से कैसे किया हूँ, जो बीच में परिस्थिति हुआ था अभी मैं, अभी तो ठीक है फिलहाल, पैसा वैसा जो भी मदद मिला है उसको भी दवा, तो मेरे सब सामान चोरी हो गया, मैं फुटपाथ पर भी सोया हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, मैं भारत सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए, मैं आदित्य योगी नाथ से जी से बोलता हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए, पूरा पाकिस्तानी पठान है यहाँ पे और टॉर्चर करते रहते हैं बार बार, है ना, अभी भी आपको टॉर्चर कर रहा है क्या कोई वहां पे? अभी तो कल परसों बोला था कि तुमको मारेंगे ऐसा वैसा, मैं बोला ठीक है भाई मार लेना, ऐसा कौन बात है कौन तो कौन उसमें बोल रहा है? अभी अभी भी धमकी दे रहा है क्या कोई? जी भैया परसों को धमकी मिला है, फिर रूम में आके, यहाँ पे सब रूम में पाकिस्तानी आके, पठान है जी रूम में आके धमकी दे रहे हैं लोग? जी तो अब आप पुलिस पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? पुलिस वहां पे नहीं मदद कर रहा है क्या आपका? नहीं, यहाँ का अभी उन लोगों से अब कहीं ही थी होएगा, इसको वजह से नहीं जा पाता हूँ, मानता हूँ कि अब मेरे पास बैलेंस भी नहीं है ना, राजन, अभी जैसे अभी लोग आ रहे हैं आपके मदद के लिए, तो उन लोगों से आप बोल रहे हैं ना जैसे कोई दिक्कत उतना, मतलब अभी धमकी बोल रहे हैं आप, मिल रहा है इस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? जी, परसों को मिला, मैं दो आदमी से बताया भी हूँ तो बोलते हैं डरने का कोई जरूरत नहीं है, उतना उनको बोलने बोलने दीजिए, है ना, अभी मैं यही कहना चाहूंगा भारत सरकार से और ये आदित्य योगी नाथ जी से कि मेरे को जल्द से जल्द निकाला जाए, परसों का धमकी मिला है फिर अच्छा, जी, देखिए दोस्तों, ये राजन जी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 बार हमने इंटरव्यू किया, हालांकि लोगों तक गया तो लोग इनकी मदद के लिए वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अभी भी इनको धमकी दिया जा रहा है। जो लोग हैं, जो जो जहां पे ये काम करते थे, अभी लोग धमके दे रहे हैं, तो ये परेशान है। कृपया
आप लोग मदद के लिए इनके आगे आए, क्योंकि यहाँ वहाँ जो लोग हैं इनके मदद के लिए वापस आए, और मैं जो एम्बेसी है, जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है, और जो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपना विदेश मंत्रालय है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया इस बच्चे को, जो ये कुशीनगर के रहने वाले हैं राजन, इनको निकालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये ऐसे जगह पे हैं जहां पे इनको भेजा गया, वहां पे है नहीं, वो कंपनी वालों ने बाहर निकाल दिया है, कहीं दूसरे जगह जाके रह रहे हैं। हालांकि लोग मदद कर रहे हैं, इनके पास कपड़ा नहीं था, खाने का नहीं था, लोगों ने बहुत मदद किया, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका, जो इनके पास गए जो लोग और इनका मदद किए। लेकिन कब तक कोई मदद करेगा? आज कितना दिन हो गया? 10 दिन हो गया, और 10 दिन से लगातार अभी तो ये सही है, सारा कुछ इनको सारा कुछ मिल गया है, लेकिन फिलहाल में कब तक कोई मदद करेगा? कोई कब तक जाएगा? सबके पास काम है, सब लोग वहां पे काम धंधा काम करने के लिए गए हैं, सबका परिवार है, लोग कितना मदद करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि इनको जल्द से जल्द वापस भेज दिया जाए, क्योंकि जब एक बात और है, मेरे से पासपोर्ट के लिए साइन भी कराए हैं, साइन भी करके आ गया हूँ। साइन अच्छा। करने का मतलब ये हुआ कि वीजा अब तो ऑनलाइन कैंसिल होता है। आज 10 दिन से ऊपर हो गया, मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ? मेरे पास जो भी मदद मिला है, आज खाने के लिए सब चीज़ था, मानता हूँ अब तक दूसरा तीसरा मेरे मदद करेगा। घर वाले मेरा पूरा फैमिली डिस्टर्ब भैया है ना, इतना डिस्टर्ब है कि मैं एक एक दिन खाना भी खाता हूँ ना तो रो के भी खाता हूँ। नहीं, देखिए आप रोइए मत, पूरा इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, और साथ नहीं होते तो इतने मदद आपको वहां पे नहीं पहुंचती। वो ये भारत की एकता और अखंडता का ये मिसाल है कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग जाके आपको वहां मदद के लिए पहुंचे, और जल्द ही आप वापस आएंगे अबूधाबी से, जल्द ही आप इंडिया आएंगे। आप जो है थोड़ा सा भी आप घबराइए मत, और अगर ऐसा कोई धमकी वगैरह देता है, जो जिसके आप हैं वहां से, वहां पे बात की कि ऐसे लोग आके आपको धमकी दे रहे हैं। जी भैया, आपका नंबर भी नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, समस्या ये है, कुछ जानकारी रहता तो मैं परेशानी बताता हूँ उन लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट मेरे पास इंडिया एम्बेसी से वीडियो वायरल हुआ, उधर से फोन आया। नहीं, अभी 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 देखिए, एम्बेसी से आपको फोन आ गया, लेकिन हमको भी कई लोगों का फोन आया, और अबू धाबी में जो लोग रह रहे हैं, जो कंपनी में, अच्छे खासी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कॉल किया तो बोले कि नहीं, यहाँ का प्रशासन बहुत टाइट है, और यहाँ पे जैसे ही आप पुलिस के पास जाएंगे तो बहुत आपका तुरंत मदद हो जाता है, इस तरीके की तो वो लोग बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो लोग तो हमारे ऊपर ही, आपके ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ा होता है, वो जाके पुलिस कंप्लेन करता तो उसको मदद हो जाता है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग। जी भैया, मानता हूँ कि मदद मिलेगा, जैसे यहाँ का प्रशासन का नंबर नहीं है मेरे पास, समस्या ये है, और जो भी पुराना लोग है यहाँ पे दूसरे जगह भैया लोग हैं। प्रशासन का नंबर जैसे यहाँ पे आप 112 पे कॉल करेंगे, उस तरीके का नंबर वहाँ पे होगा ना, आप वहाँ पे किसी से लेके कॉल करके, जब ऐसा कोई धमकी देने आता है तुरंत बुला दीजिए, तुरंत वो लोग आ जाएंगे। धमकी मिला था वो पठान था, सुनिए सर, परसों जो धमकी मिला था, बोलते तुमको रूम में, आप बताइए कितना दिन, मानता हूँ कि आज रूम दिला देगा प्रशासन, सुबह में कोई बात हो जाए तो किधर जाएगा आदमी? हमें सब पाकिस्तानी पठान है सब, मैं बहुत बुरी तरफ से जगड़ चुका हूँ ना, पासपोर्ट के लिए बोले ऑफिस में आओ, ऑफिस में साइन भी कर दिया, आज 10 दिन हो गया, मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यहाँ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा जो भी भाई वीडियो देखे और उसको शेयर करते जाए, और मेरे को निकालने के लिए प्रयास किया जाए। मैं 3 महीने से क्या हालात गुजर रहा हूँ कि मेरे कुछ समझ से बाहर हो गया है। चलिए ठीक है, मदद हो जाएगी राजन जी। मैं अभी आपके परिवार में भी जाऊंगा, घर पे भी जाऊंगा, और जल्द आप वापस आइए, आपसे हम मिलेंगे, और जल्दी आप आ जाएंगे, क्योंकि जब एम्बेसी और तमाम सारी बातें हो चुकी है, आपका साइन हो चुका है, तो जल्दी आप आएंगे इंडिया, आप टेंशन ना लें उस बात का, और थोड़ा सा संयम बना के रखिए, घबराइए मत, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग हैं आपके साथ, ठीक है, पूरे भारत के लोग आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना भैया जी राजन जी? भैया।
हाँ तो आप आराम से वहां पे रहिए, लोग मदद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आपकी मदद पहुंच रही है वहां पे, खाने के लिए आपको मिल जा रहा है, अब बढ़िया से रहने के लिए मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आप आएंगे जरूर इंडिया, ठीक है। कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा वहां पे, कुछ भी ऐसा कुछ मत करिएगा, आप जहां पे हैं वहां पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ऐसा कोई धमकी देता है तो आपके आसपास लोग हैं उनसे कहिए, और वहां पे आप हो सके तो प्रशासन को संपर्क करिए, ठीक है। जी आपकी भैया, पूरी मदद की जाएगी, और आप थोड़ा संयम बना के रखिए, जल्दी वापस आएंगे, आप टेंशन न लीजिए। इतना सब कुछ हो गया है, आपका साइन वगैरह हो गया है, तो जल्दी वीजा कैंसिल होगा और आप आएंगे इंडिया, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं है ना, खाने नहीं होने का आप भैया, दिक्कत यही है कि नहीं? दिक्कत कुछ नहीं है। अभी कुछ लोग हैं, उनके रूम पे जाके खा के आता हूँ वहां से, और हाँ बनाते हैं, बुलाते हैं, फोन करके मैसेज कर देते हैं। मैं दूसरे जगह से वाईफाई कनेक्ट करके बात करता हूँ हर आदमी से, वहाँ पे आता हूँ, मैसेज सुनता हूँ, तो मैं उन लोग को रूम पे चला जाता हूँ खाने के लिए। तो चलिए, आप अच्छी बात है, वो लोग के रूप में जा रहे हैं, आप अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, परिवार में बात करते रहिए, अपने परिवार के लोग को कहिए टेंशन न लें, आप जल्दी पहुंचेंगे घर पे, ठीक है। जी भैया, पिताजी से आपसे बात होती है? पिताजी से, भाई आपके हैं ना? जी, बात होता है, बात होता अच्छा, शादी हो गई है आपकी? अभी शादी नहीं हुआ। अच्छा, तो पिताजी से बात करते रहिए, ठीक है, जल्दी आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है भैया। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद।